पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर है ना, मुनीर अकरम, नाउ पाकिस्तान ने बोला है कि साहब जो राम मंदिर बन गया उससे तो बहुत गड़बड़ हो गई और ये मैटर लेगा यूनाइटेड नेशंस में, ये मैटर लेगा, बाहर जाके वेट करो। किसने भेजा तुम्हें ऑफिस में? किसने भेजा ऑफिस में? निकलो यहां से भाव, आउट। तो ये पाकिस्तान की दोस्तों है वो मेरा ख्याल है कि 100% कामयाब है। ये भारत है और ये एक हिंदू राष्ट्र है और इसको तस्लीम कर लेना चाहिए, ऐसा ही है। अभी देखिए, आंखें बंद करने से अंधेरा तो नहीं छा जाता ना। लेकिन अभी यहाँ बस नहीं हुआ, अभी ये कल गुज़श्ता रोज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनका उन्होंने ये कह दिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कंफर्म कर दिया उनके तहीं कि जो ज्ञान वापी मस्जिद है वाराणसी में, उस ये किसी टेंपल में बनाई गई थी। राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी मॉस्क पर भी मंदिर बनाया जाएगा या बनाने की तैयारी हो रही है। इसकी वजह यह है कि एएसआई की एक रिपोर्ट आई है। अब ये एक नया किस्सा खजिया शुरू हो गया। उसके बाद फिर एक और मस्जिद है शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसके बारे में भी यही क्लेम हो रहे हैं कि यहाँ भी पहले टेंपल था। ज्ञानवापी मॉस्क है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है इसके नीचे पहले मंदिर था, यानी इस जगह पर मंदिर था। दिक्कत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। हिंदू जो है वो मुसलमान या हिंदू तहजीब, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तहजीब जो है मुसलमानों से कई लाख बेहतर है। जो हमारी मस्जिद है वो भी स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है, मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज नहीं है। अब ये ज्ञानवापी मॉस्क की टर्न है कि उस जगह पर जो है वो अब मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि राम मंदिर तो बन चुका। कहा जाता है कि सैकड़ों हजारों की तादाद में ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई। दोस्तों, भारत में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई और उस समारोह का ऐसा भव्य आयोजन किया गया कि पूरी दुनिया में उसकी धूम मच गई। पाकिस्तान ने यह हद कर दी कि अपनी औकात से बाहर जाकर वो यूएन में इस मुद्दे को ले जाना चाह रहा था, लेकिन यूएन सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी को लात मारकर बाहर निकाल दिया कि तुम्हारी औकात कैसे हुई कि तुम हमारे ऑफिस में आकर ऐसे मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, पाकिस्तान वो जाहिल और जिहादी मुल्क है कि जो अपने देश में हिंदुओं पर आए दिन अत्याचार करता है, हजारों मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनाता है, लेकिन भारत की सरकार में जहां पर अदालत के फैसले से भी हिंदुओं ने अपने मंदिर के अधिकार को पुनः प्राप्त किया है, उससे उसके अंदर मिर्ची लगी हुई है। दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई है, जिसके तहत ये बताया गया है कि बनारस के ज्ञान वापी मंदिर यानी कि हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर में जो मस्जिद बनी है वह भी हिंदू मंदिर के ऊपर बनी है, और ये साक्ष्य सामने आने के बाद पाकिस्तान करने लगा और एएसआई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कहने लगा कि एक और मस्जिद अब बर्बाद होने वाली है, और नेस्तो नाबूद होने वाली है। तो दोस्तों, देखिए कैसे एएसआई की रिपोर्ट पर पाकिस्तान बिलबिला रहा है। श्री अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था वो तो मंदिर तोड़ के बनाया गया है, इसलिए उसको रिक्लेम करा है। क्या कोई एक भी केस है पूरी दुनिया में जहां पे हिंदुओं ने किसी और के मंदिर मस्जिद या जो भी उनके पूजा के स्थान है उनको तोड़ के अपना मंदिर बनाया है? ये फिलॉसफी हिंदुज्म की है ही नहीं, हम करते ही नहीं ऐसा, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। अगर बाबरी मस्जिद वहां पे होता और वहां पे राम जन्मभूमि नहीं होती, उदाहरण समझ लीजिए आप, वहां पे अगर बाबरी मस्जिद होता और राम जन्मभूमि नहीं होती तो हम जाते भी नहीं वहां पर बाबर ने तोड़वाया प्रभु श्री राम का मंदिर उसके ऊपर। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों, तुम सुनो, अगर बाबर को इतना शौक था मस्जिद बनाने का तो बगल में मस्जिद बना लेता। आपने ज्ञानवापी का एक एरिया तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाया, आपने कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनाया, इन्वेडर्स ने, आपसे मेरा मुराद है इन्वेडर्स जो थे उन्होंने बनाया। श्री अयोध्या में आपने काम करा, क्यों करा आपने काम? ये काम इसलिए करा क्योंकि उस समय सत्ता आपके हाथ में थी, तलवार आपके हाथ में थी, सेनाएं फौज। पाकिस्तान के इस्लाम बना लो, वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है, मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज नहीं है। जिन्हें मीम किया था उसने कहा था, अब तक इस्लामी कवानीन के मुताबिक सिर्फ सूर ही हमसे बच सका है, शराब, जनार, रिश्वत, करप्शन हर चीज हमने कर ली, सिर्फ एक चीज हमसे बची हुई है वो सूर है। वो पता नहीं किस तरह बच गया है, मेरा मकसद पता नहीं मुसलमान की कितनी की नफरत है, लेकिन दूसरा हर काम मुसलमान कर रहे हैं, हर काम।
अब ये ज्ञानवती मॉस्क की टर्न है कि उस जगह पर जो है वो अब मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि राम मंदिर तो बन चुका। तो देखिए इसमें ये भी फिर बात कही जाती है कि जो इंडिया ने सोच रखा है, यानी जो वैसे भी अब आप जानते हैं कि इंडिया का नाम भारत लिया जाता है, वो कहते हैं कि इसको भारत कहो क्योंकि ये हमारी सदियों की सिविलाइजेशन है, रूट्स इतनी गहरी हैं। तो अगर एक मुल्क अलहदा होकर चला गया तो उसके हालात और वाकयात है वो तो आप देख ही रहे हैं, तो उसके बाद इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी रूट्स जो है वो खत्म हो गई या उनकी जड़ें कट गई, वो तो वैसे ही है। बात ये है मैम कि अब तो चलिए बाबरी मस्जिद को तो उन्होंने 1992 में शहीद कर दिया, लेकिन अभी यहाँ बस नहीं हुआ। अभी ये कल गुज़श्ता रोज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनका उन्होंने ये कह दिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कंफर्म कर दिया उनके तई कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वाराणसी में, उस ये किसी टेंपल में बनाई गई थी। अब ये एक नया किस्सा खजिया शुरू हो गया। उसके बाद फिर एक और मस्जिद है शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसके बारे में भी यही क्लेम हो रहे हैं कि यहाँ भी पहले टेंपल था। इतने ये अब ये जो है ना, अदालतें भी तो इन चीज़ों को एक लिहाज से प्रोटेक्ट कर रही है ना कि मस्जिदों को आप गिराएं और इन पे टेंपल बनाते चले जाएं। ऐसे ये तो एक जाहिर है कि रिलीजियस सेंसिटिविटी की बात आ जाती है। ओआईसी ने भी मेरा ख्याल कंडेम किया है। मगर इसके अलावा भी तो आप देखें ना कि जो मुस्लिम हेरिटेज है उसको कैसे वो कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हिस्ट्री उनके हिस्टोरिकल जो भी वहाँ पे लिटरेचर है उससे भी उर्दू को बहुत नुकसान पहुंचे। उर्दू भी लैंग्वेज बड़े मसले में, उनकी सिविलाइजेशन उसी तरीके से। ये तो हमने उनको छोड़ दिया ना कि नहीं हमारी अलग शनाख्त है, आइडेंटिटी है उनकी, तो वही है। तो वो कहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो तो हजारों सालों पर फैली हुई है। तो ये कहना कि भाई ये मंदिर बना दिया मस्जिद तोड़ के, और कितने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए हैं? क्यों दिल्ली में नहीं है मस्जिद, मुंबई में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, चेन्नई में नहीं है? और बड़े बड़े मस्जिद हैं यहाँ पे, खरोच तक नहीं आई एक को। 76 साल हो गए आजादी के, एक खरोच नहीं आई किसी मस्जिद को। वहीं पे क्यों गए? क्योंकि वो हमारे आराध्य देव का जन्म स्थान है, पहले ये बात याद कर लो। अच्छा अब आते हैं बॉस भिखारी, भीख मांगना क्यों पाकिस्तान में? इसमें पीएचडी के कोर्सेज हैं इनके। अब मैं आपको बताता हूं, द सब कमिटी ऑफ सेनेट स्टैंडिंग कमिटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, नाम देखो भाई का, इज्जत आई दिल में थोड़ी सी? इज्जत नहीं आई, इज्जत। ठीक है, बिल्कुल यूपी वाले भाव में आ जाते हैं, इज्जत नहीं इज्जत। अब देखिए, द सब कमिटी ऑफ सेनेट स्टैंडिंग कमिटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ना तुम्हारे पास ह्यूमन है ना तुम्हारे पास रिसोर्स है, और डेवलपमेंट का बंटाधार हो रखा है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि इन्होंने चिंता व्यक्त करी है कि इतने पाकिस्तानी सऊदी अरब में भिखारी हैं। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी वहां पर जाके भीख मांगते हैं। ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी कि हमें हज में जाना है, हमें उमरा के लिए जाना है, जो मुसलमानों पर फर्ज है ना, हज और उमरा। ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, इनकी स्टैंडिंग कमेटी कह रही है, पार्लियामेंट की कह रहे हैं, बॉस ये लोग झूठ बोलकर जाते हैं। हज कोटा पे जाते हैं, वहां पे जाते हैं और वहां पे दुनिया को इस्लामिक इमिग्रेशन ने दुनिया को घुटनों पर ले आए हैं। आप घुटनों पर ले आए, माफिया मांग रही है दुनिया आपसे, कहते खुदा। आपको पता है यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी सिटीजनशिप बेचे या हमें दे दें, इतने पैसे लेकर आप वापस चले जाए पाकिस्तान। आपके लोगों ने वो बेची वहां पे सिटीजन वापस पाकिस्तान आके फिर इलीगल इंग्लैंड चले गए वापस। दिस वाज द प्लान फ्यू इयर्स बैक कि आप लमसम पैसे इतने लाख पाउंड ले लें, प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। लोगों ने वो भी कैश कराया और वापस जाए। और मैं सबसे बड़े मैं एक दफा शर्मिंदा हुआ चीमा साहब, यहां मैंने अपनी एक दफा इंश्योरेंस कराई, ये 15 साल पुरानी बात। जो खातून मेरी इंश्योरेंस करने आई उसने कहा तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हारी इंश्योरेंस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी। मैंने कहा वो क्यों भी, व्हाई यू वेरी रेसिस्ट? उसने कहा नहीं, पाकिस्तान में हस्बैंड जाके वहां से डेथ सर्टिफिकेट भेज देता है, बीवी यहां पे क्लेम ले लेती। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.ZED को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।